भैया हो भोले बाबा जोगिया भोला। अरे की है जिस टाइम अंग्रेज माता बहनों के स्तन को काट लेते थे, माँ की गोदी से बच्चे छीन कर संगीन पर नचाते थे, कहते थे कि कह दो मुझे आजादी नहीं चाहिए, लेकिन वो माँ यही कहती थी मुझे आजादी चाहिए। आजादी मांगने पर एक कप्तान बहुत बदमाश आया था। बड़े भैया क्या था? लरला रे लरला लरला, ब्राउन के अत्याचार से देश थर्राया, जीते जवानों को जिंदा फांसी पर झूलाया, कितने बहनों के असमत से वो प्यास बुझा था, सब कुछ किए के बाद फिर गोली से उड़ा था, यह हाल देख विजय सिंह पिस्टल को उठाया, आकर के अपने माँ से सारा हाल बताया, अब लाल तेरा हो गया वतन का दीवाना, माता कहीं कदम पीछे हर दिया हटाना, माता कहीं कदम पीछे हर दिया हटाना, माता कहीं कदम पीछे हर दिया हटाना। पढ़वैया लड़का छात्र के जवान हो, 16 साल की उम्र में विजय सिंह पिस्टल चूम लिया और चूम कर कहा, माँ तेरा बेटा वतन का दीवाना हो गया है। कैसे? तो माँ कहती है एक तर्ज बदल गए, भाई सुन ला है कौन तर्ज हो कि मोरे पीछे वरवा जमेरिया का गछिया, जमेरिया का गछिया मोरे बलमुआ हो। अच्छा, मोरे बलमुआ हो नीला रंग चुनरी रंगादा, बलमुआ हो नीला रंग चुनरी रंगादा, बलमुआ मोरे बलमुआ मोरे बलमुआ हो नीला रंग चुनरी रंगादा, बलमुआ हो नीला रंग चुनरी। बोली महतरी अमर सुगनवा हो, मोर सुगनवा हो खून कबेरिया छोड़ा ना, मोर सुगनवा हो माता जी कबेरिया छोड़ा ना, मोर सुगनवा हो माता जी कबेरिया छोड़ा ना। सुगनवा हो माता जी कबेरिया छोड़ा दा, मोर सुगनवा हो माता जी कबेरिया छोड़ा दा, सुगनवा हो माता जी कबेरिया छोड़ा दा। ए भैया मोर सुगनवा हो माता जी कबेरिया छोड़ा दा, और भाव बा कि बेटवा ऐसन हो कि माँ के चरण पकड़ के और कैसे चल पड़ा, एक तर्ज फिर बदल गल और बड़ा बेजोड़ तर्ज बदल गल। सही रहे बोले के चाहिए भैया, ये यशोदा के नंद लाला जग का उजाला ही, मेरी लाल से सारा जग झिलमिलाई, भैया 16 साल की उम्र में जैसे आज भाई लोग बैठे हैं, विजय सिंह अपने जवानों से कहता है, क्या कहता है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इनकलाब बोली है वीरों की टोली है, मेरे देश से सारा देश डगमगाए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इनकलाब बोली है वीरों की टोली है, मेरे देश से सारा देश डगमगाए। वंदे मातरम बेटा जो की चुकाए, दूध का कर्जा बेटा जो की चुकाए, दूध का कर्जा बेटा जो की चुकाए। रो प्रताप शिवा वीर कहलाए, राम प्रताप शिवा वीर कहलाए, राम प्रताप शिवा वीर कहलाए। इनकलाब बोली है वीरों की टोली है, मेरे देश से सारा देश डगमगाए। बारह जवानन के कौन उपमा देवल गल हो कि बारह जवानवा बधौना कंगनवा सर पे कसरिया बढ़ायल री गोर की दुलही कौने यही गोरकी दुलही पर दुल्हा लुभायल रे, गोरकी दुलही पर दुल्हा लुभायल रे, अरे दुल्हा लुभागला भगवान लुभायल रे, गोरकी दुलही पर दुल्हा विजय सिंह जवान अकेला था अपने बाप के, एक बहन थी। बहन सोच रही कि आज भैया मेरा अकेला है, एक भाई और रहता तो दहिना बाँह पूजाता, तो भाई नहीं है तो बहन तो है। मर्दाना रूप धारण करके चल देती वो बहन, बारह जवानों को पता नहीं। विजय के संग चली राधा बहिनिया, देशवा के खातिर हो भई जोगिया, के खातिर हो भई जोगिया, के खातिर हो भई जोगिया। अरे बारह जवानवा मचौने तूफानवा, दुश्मन पे गोला फेको युडुरी, गोर की दुलही पर दुल्हन लोहायल री। मार मार चल मार और सही है। भी चल देती है बारहो जवान को पता नहीं, वो सोच रहे कि ये भी क्रांतिकारी जवान है, तेरह हो जाते हैं। और जब पहुंचे तो अंग्रेज मीटिंग कर रहे थे, बारंडी भिक्षी छान रहे थे और यही नशा में बतिया रहे थे कि एक एक इंडियन साले को मारना की आए। तब तक ही जवान बारहो पोजीशन ले लेते हैं, मेरे दोस्त पोजीशन लेकर करते हैं क्या, पोजीशन ले लेते हैं, साथ में राधा बहन भी पोजीशन ले लेती है। तो एक तर्ज भोजपुरी अपने देश का है कि माता बहन जब धान रोपे ली, कहा गाजीपुर आजमगढ़ बलिया, हाँ गावेली इतना सुहावन लगा ला स्वर बढ़ के भैया एक स्वर सिर से रुसलवाती रियावन धैली नहीं हरी कराए। बारह जवान बागी पहले न हो मारे गोलियां चलाए, तो पंद्रह अंग्रेजी पहले न हो मारे गोलियां चलाए, पंद्रह अंग्रेजी पहले न हो
भैया 15 अंग्रेज मारे गए, जेके मारल लहाय के ने, ये तनखो इंडियन को मारा जाएगा तले गोली पहुंच जाए मुहे तो बोली बंद। 15 के भका भक मर गई ने, यही पर सब भाग जाते हैं। और भाग जाते हैं जब, और 15 लाश पड़ल हो अंग्रेजन के, तब तक एक चंडाल जाकर खबर देता है कि ब्राउन खबरिया जब की पाया बड़ हो जवान के आके घेरवाया। राम राम आय हाय, खुद चाचा गद्दार हो जाता है। अरे राम लाल धोखा कमाई लेना राधा गई पकड़ा, विजय सिंह का चाचा रामलाल जाकर बता दिया ब्राउन कप्तान के कि 15 अंग्रेजों को मेरा भतीजा मारा है। वो सोचा कि अगर विजय सिंह पकड़ जाएंगे तो बाप इनके गोली के शिकार हो गए, सिर्फ विजय सिंह बचा है और मैं धन का मालिक हो जाऊंगा। दौलत के लालच में अंधा बन गया। जब ब्राउन कप्तान खबर पर आए है तो चंडाल करता है क्या कि घिरवा लेता है। घिरवा लिया लेकिन 12 जवान पूरा टायर थे, गोली चलाते हुए निकल गए। राधा बहन फंस जाती है चंगुल में अंग्रेजों के, और राधा बहन पकड़ जाती है। और जब पकड़ गई तो खेमे में लाया, कहा कि अरे लड़की 12 जवानों का पता बता दो, तुझे रिहा कर दूंगा। लेकिन वो कह रही है, ओहर तो देखा 3 दोस्त में एक दोस्त गद्दार हो गए। लेकिन लड़की से पूछ रहा है कप्तान शासन देकर, लेकिन वो लड़की कहती है, तर्ज एक बदल गए कि काहे जिया दुखोला चल दिला हमें विसार की, इतना बता दा ए दुल्हा गंगा पार की, जय हो जय हो दुल्हा गंगा पार की। तो लड़की कह रही है कि अरे कप्तान तू मुझे पूछता है, हरगिज ना भेद बताऊं चल जाऊं मैं संसार से, चमड़ी उचारे पापी कोलार की मार से, चमड़ी उचारे पापी कोलार की मार से, चमड़ी उचारे पापी। कहती है कि देशभक्त भैया के ना भेदवा बताइबे, देशवा के खातिर बलहू जन्म गवइबे, देशभक्त भैया के ना भेदवा बताइबे, देशवा के खातिर बलहू जन्म गवइबे। अरे रख दो छाती पे गोला, राहुल कप्तान कहा कि रख दो छाती पे गोला, ब्राउन बोला ललकार की, अस्तल उतारे पापी तेगवा की धार से। दोनों अस्तन काट लिया, और काट के कप्तान हंस रहा है कि लड़की अब मुझे विश्वास है कि राधा तुम बता देगी, लेकिन आप लोग के तर्ज भी सुना दी। कौन तर्ज? मिर्जापुर में पंधारी, विराह में आद गुरु बिहारी, आरा छपरा में विदेशिया में भिखारी, ठाकुर का नाम सुन ले होबा कि विदेशिया गाय दे तो नैन से आंसू चले।
तर्ज विदेशिया हो लेकिन यहाँ करुण रस का भाव है कि काटिया सल्तनत जुल्म डहावे पापी तब राधा बहन नाही बोलनी बचनिया अखिया के फूल दूनो पुतरी निकाली लेन मार मार कोड़ा वासी तोड़ने बदनिया गोलिया के मार के पी जलावा के सुन कैले अगिया लगाई के जलावन बदलिया यहावर खबरिया क्रांतिकारी कोई जनाई देले कि विजय भैया पकड़ गईली तोहरी बहिनिया आय है जाकर कोई क्रांतिकारी खबर दिया कि भैया तू बारहो जवान मिलके यहाँ कसरत कर रहा है अरे मेरे दोस्त ब्राउन कप्तान राधा बहन को पकड़ लिया है वो जो पीछे पीछे राधा बहन थी हम लोग क्रांतिकारी समझ रहे थे गोली साथ में चला रही थी भैया और ब्राउन कप्तान गिरफ्तार कर लिया और करके अस्तन काट लिया दोनों आँख फोड़ दिया भैया नहीं बताई तो गोली मार कर आग ही में जला रहा है आए है बर्दाश्त कहाँ हो 16 साल की उम्र में 16 भाग गया कैसे कैसे कि बदला की आगी ज्वाला बन गई बदला की आगी ज्वाला बन गई धरती कांप गई अंबर में वेदना जागी बदला की आगी ज्वाला बन गई धरती कांप गई अंबर में वेदना जागी ब्राउन को नहीं जब पाया है ब्राउन की बेटी एलिजा रही तुरता उसे उठाया है पकड़ के लाया खेमे में तब भारी क्रोध बढ़ाया है कातलिया स्तन दोनों धड़ से मुड़ी अलगाया गुस्सा बहुत पाप पहुंच गया ब्राउन कप्तान के बंगले पर गिस्साला कहां मिलेगा लेकिन ब्राउन कप्तान निकल जाता है उसकी बेटी एलिजा थी गुस्सा में उसे उठा लिया उठाकर अस्तन काट के और मूड़ी काट के एक थाली में सजा दिया और थाली में सजा कर रुमाल से ढक कर उस पर लिखा कि खून का बदला खून और फांसी का बदला फांसी अरे चंडाल जैसे तू यहाँ के माता बहनों के साथ अत्याचार करता है बलात्कार करके गोली मार देता है लेकिन मैं वो नहीं करूँगा जो मेरे बहन के साथ तू किया है मैं वही कर रहा हूँ और यही लिख कर खाटी बीरस यहाँ से कैसे है कि खूनवा का प्यासी हमारी माई धरती बिरना बाजी भैले बिरना बाजी भैले अरे बिरना बाजी भैले कैसे लूट ले मोरई जतिया
ये मेरे दोस्त अपने लड़की का मूड़ी स्तन देखा तो ब्राह्मण कप्तान हू कह के रोत हुए। आन के बेरी तो बड़ा मजा मिले था अपनी बेरी मम्मा का तो हू का करा हुई आदर लगा दिया कि विजय सिंह को जिंदा या मुर्दा हाजिर किया जाए। तो भारत हमार जो ना बोली बोले में तेज भैया, अगर भारत के जवान बोली बोल दे चौचक तो मुर्दा उठ के बैठ जा आदमी के कह। तो का बोली बोले पेपर पढ़े और हंसे कि लिखा था मोटे हेडिंग में कि विजय सिंह कहीं भी हो उसे जिंदा या मुर्दा हाजिर किया जाए। तर्ज बदल गए हमार पाजेब राजा हीराज कि नजर लागी राजा तोरी बगले पी, जैसे हमरे रामदेव भाई कहन लागी राजा तोरी बगले पी, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया कुक रहती राजा तोरी बगले पी। सरनी है खुनवा सरनी है माता का चरवा सरनी है माई का चरवा चरवा हो माई का चरवा सरनी है माता का चरवा जवान। अरे तोरे फांसी का फंदा जौन हो खाली न रह दी है, मौत को दुल्हन समझते हैं फांसी का फंदा झूला सावन का झूला समझते हैं। तो ये कहां मानने वाले हैं पे प्रमाण है ये बाबू बहन और भाई के कितना पवित्र प्यार होला हो। उसको ख्याल आ गया कि आज राधा बहन रहत सुनो भैया तो रक्षा बंधन वाला दिन था। रक्षा बंधन के दिन जब बहन का ख्याल आया बचवा बोले ना पहली का सूरतिया हूँ कली जवा बीचवा साले पहली का सूरतिया हो कली जवा बीचवा साले पहली का सूरतिया हो कली जवा बीचवा साले भूल नहीं बहनी तोरे रखिया का प्यार पागल परनवा हम कैसे कमना घूमत फिरा तो पहुंचा रतना के द्वारे रतना का पिता राम लाल जब देखने और ब्राह्मण को खबरिया दिया बदकार तो लेके लासा करिया ब्राह्मण घेरावा और गोलिया का मार मार कर बवछार और गिर गया जवाना धरतिया के ऊपर देखा हो बुद्धि गड़बड़ाई गई जवान के। उसे मालूम नहीं था कि मेरा चाचा गद्दार है रामलाल दौलत के लालच में अंधा बना है। गया अपने चाचा से भेंट करने रामलाल देखा जरूर छुप कर जाकर ब्राउन कप्तान को खबर दे दिया कि जिसको पकड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं आज वो मेरे घर आया है। आय है इतना सोने का तो खाली देरी रह चौमुख से हजारों अंग्रेज घेर लिए और घेर लिए रतना रामलाल की बेटी थी। कही कि बाबूजी तो नहीं भैया लेकिन आज तू रक्षा बंधन वाला दिन है आज तू आ गया राधा बहन तो खत्म हो गई लेकिन मैं भी आपको बहन हूँ राखी बांध कर कहती कि भैया कुछ खा ले और तब तक देख रही है रतना कि चौमुख से अंग्रेज घेर लिए। कही कि भैया दुश्मन चौमुख से घेरे हुए हैं तू जा नहीं सकता निकल कर। कहा कि अरे पगली मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। अरे हजार है तो क्या जब तक मेरे पास गोली है तब तक एक कायर कुछ नहीं कर सकते।
यही कहकर निकल जाता कि मैं यही शिक्षा देता हूँ कि कायरों के तरह जीना ठीक नहीं है, गुलामी के बंधन से बल्कि बेहतर है कि लड़कर मर जाना ठीक है, यही कहकर निकल जाता है। चौमुख से गोली अंग्रेज चला रहे थे, लेकिन छुप छुप के जवान गोली मारते हुए निकल जाता है। अफसोस है मेरे दोस्त कि थोड़ा देर खाली निकल गया था, एक गोली बच गई तो सोचा कि अब मैं क्या करूं, अगर ये गोली खर्च कर दे तो दुश्मन के हाथ में मारा जाऊंगा, इसलिए पिस्टल का मुंह जो अपने मस्तक पर घुमा दिया कि मार कर खत्म हो जाऊं। लेकिन जब खटका दबा रहा है तो देखा भगवान का मर्जी कि गोलिये मिस कर गई, और जब गोली मिस कर गई तो अंग्रेज पूरे बदन को छेद दिए, चलने के माफी पूरे तड़ 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 गोली जब बदन में लग के जवान गिर जाता है धरती पर, और आखिरी तय मरने के समय यही कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यही कहकर खत्म हो जाता है। तब तक कोई क्रांतिकारी जाकर रतना से छुप के बताया कि बहन तेरा बाप गद्दार है, राधा बहन को वही पकड़वाया, मुझे मालूम है, आवाज विजय भैया को वही पकड़ मरवाया है, अभी अभी देख रहा हूँ कि ब्राउन कप्तान के बंगले पर शराब पी रहा है, मैं छुप कर देखता रहा। इतना सुनत रतना आग बबूला हो जाती है कि ऐसे गद्दार बाप को इस धरती पर रहने का हक नहीं है, पिस्टल में गोली भरकर अपने बाप को मारने के लिए चल पड़ती है। आखिरी प्रमाण है, अरे गराजा पड़ी ए बाबू, गराजा पड़ी बाबू, गराजा पड़ी रतना भर पिस्टल में गोली, गराजा पड़ी रतना भर पिस्टल में गोली, रतना भर पिस्टल में गोली, रतना भर पिस्टल में गोली, देश भक्त को मरवा करके अपने मन का सोता, अब ना पट पाओगे पापी, बीज बबुल का बोता मरता है, बन हो गईली बोलिया गरज पड़ी। पी के शराब आवत रहल यही कहेगी अब तो काम हो गया, अब तो काम हो गया, तब तक ताड़ ताड़ दुई गोली मल्लिस, अब गोली लगता मम्मा का बोली बोन लगल है रुआ ले, मर गई लगे रुआ के फिर में हुआ। तो मार पिता को रतना घर से जबकि चली पराई, बीचरा हमें क्रांति दल कटोली गई भेटाई, धैली क्रांति दल कटोली याद आ राजा, गुरपत्तू गुरु बिहारी गुरपत्तू गुरु छैबर देश का शान, गुरु बिहारी गुरपत्तू गुरु छैबर देश का शान, काशीनाथ का सुखनंदन सिंह धन भारत के जवान, बदला की आगी ज्वाला बन गई, लिखे बुल्लू ग्वाल कविता में बने अनुरागी, बदला की आगी ज्वाला बन गई, सवा के जवान।